आज एक और लिस्ट आई है पीडीए की, यूं कह लें समाजवादी पार्टी की। तो आज तो उन्होंने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया ने हार को स्वीकार करते हुए कन्नौज सीट पर भी अपने किसी परिवार के सदस्य को टिकट दे दिया है। अपने लिए उनको कोई स्थान नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपनी पार्टी के मुखिया है, इतनी बड़ी हार कैसे पचा पाएंगे और उनके सारे कार्यकर्ता कैसे पचा पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने साफ कर दिया है कि हम उत्तर प्रदेश में शायद चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो ऐसे संकेत मिल रहे हैं क्योंकि उन्हें हर तरफ हार सता रही है। यही बात कांग्रेस के साथ लागू होती है कि उनके नेताओं को भी ना अमेठी पर भरोसा है, ना उन्हें रायबरेली पर भरोसा है। रायबरेली उनकी माताजी ने छोड़ दी है और अमेठी से वो छोड़कर वायनाड चले गए हैं। तो ये एनडीए अलायंस का क्या होने जा रहा है, ये सबके सामने है। 80 के 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, इसीलिए ये कोई भी मैदान में आने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।